पेशेंट को कैसे ले जाया जा रहा है यहाँ पे। एम्बुलेंस आगे खड़ी हुई है 200-300 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, रास्ता इतना ख़राब है, देख सकते हैं आप। मोटरसाइकिल पे भी नहीं ले जा सकते, इतनी तबीयत ख़राब है यहाँ पे पेशेंट की कि एम्बुलेंस को बुलाया गया है। और ये आप देख सकते हैं लाइव नज़ारा है यहाँ पे, सब कुछ लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पैरों में चप्पल भी नहीं है, ऐसे पकड़ के ले जाया जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे पेशेंट को ले जाने में भी दिक्कत हो रही है, मरीज है वो, घर पे गाड़ी नहीं आ रही है, एम्बुलेंस तो वहां से हाथों द्वारा उठाया गया है। यूपी में विकास का हाल देख लीजिए, यहाँ इतना विकास है कि लोगों के पैर इसी विकास में धस रहे हैं, लोगों की जिंदगी बेहाल नजर आ रही है। पॉइंट ब्लैंक में आज हम बात करेंगे आगरा की। आगरा में बघेल का पूरा गाँव की सड़कें दलदल में समा गयी, सड़कों के नाम पर सिर्फ दलदल नजर आ रहा है। यहाँ हालत इस कदर खराब है कि बीमार को लेने आई एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, एम्बुलेंस को आधे रास्ते बुलाकर रोकना पड़ता है, फिर बीमार को चारपाई पर लिटाकर नंगे पैर लोग दलदल रूपी सड़क से होते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचते हैं। गांव की एक महिला की तबीयत बिगड़ी तो ऐसा ही नजारा दिखा। पेशेंट को कैसे ले जाया जा रहा है यहाँ पे, एम्बुलेंस आगे खड़ी हुई है 200-300 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, रास्ता इतना ख़राब है, देख सकते हैं आप। मोटरसाइकिल पे भी नहीं ले जा सकते, इतनी तबीयत ख़राब है यहाँ पे पेशेंट की कि एम्बुलेंस को बुलाया गया है। और ये आप देख सकते हैं लाइव नज़ारा है यहाँ पे, सब कुछ लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पैरों में चप्पल भी नहीं है, ऐसे पकड़ के ले जाया जा रहा है यहाँ से। पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एम्बुलेंस आगे खड़ी हुई है 200-300 मीटर की दूरी पे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए एम्बुलेंस तक ले जाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट को ले जाने में भी दिक्कत हो रही है, मरीज है वो, घर पे गाड़ी नहीं आ रही है एम्बुलेंस, तो वहाँ से हाथों द्वारा उठाया गया है। देखिए अभी यहाँ से एम्बुलेंस में अभी ले गए थे पेशेंट को, यहाँ से बाइक भी नहीं निकल सकती, इस रास्ते द्वारा अभी पेशेंट को हाथों द्वारा ले जाया गया एम्बुलेंस के पास तक। ये आप देख सकते हैं गौर से, यहाँ पे चल के भी नहीं निकल सकते हैं, इतनी जगह नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितना पानी भरा हुआ है रास्ते में, ये स्थिति हो रही है यहाँ पे। कृपया करके हमारी सुनवाई करें, CM आदित्यनाथ योगी जी से हमारा निवेदन है एंड PM प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारा निवेदन है कि हमारी सुनवाई करें। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस गांव के लोग CM योगी से मांग कर रहे हैं, लेकिन खास बात एक और सुनिए। ये रास्ता सबसे खास है, ये रास्ता जो दूसरे गांव को इस गांव से जोड़ता है। जिसको भी कहीं भी जाना है इसी रास्ते से होकर जाना होगा, इसी रास्ते से बच्चे भी स्कूल जाते हैं। ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, तो ये देखिए आप कीच में खराब हो जाती है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है अभी, और बारिश हल्की हल्की में अब ये ड्रेस भी खराब हो जाती है। और यहाँ पे ये देखो बच्चे ऐसे पढ़ने जाते हैं, अब आगे चल के ये बताओ स्कूल में मास्टर कैसे जाने देगा अंदर इसको, कैसे मतलब यहाँ पे रास्ता इतना खराब है। ये देखिए यहाँ से सभी नॉर्मल रास्ता यही है, इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसी से निकलना पड़ेगा चाहे कैसे भी जाओ। बेहाल सड़क से परेशान लोगों ने 25 सितंबर को बच्चों के साथ मिलकर ब्लॉक सैया पर धरना प्रदर्शन दिया। लोगों का आरोप है कि बड़े बड़े अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की गई, यहां तक कि विधायक साहब से भी इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत खराब रास्ता है वो, और जब से हमने जीवन संभाला है जब इसे अभी तक उसको पक्का नहीं करा गया, और मैं चाहता हूँ कि वो रास्ता पक्की कर दी जाए और जनता को आने जाने में आराम रहेगा। कुछ वीडियो वायरल हुए, क्या वीडियो है? वीडियो के हमारे 3-4 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें उसमें ये है कि एक महिला हमारी वो बच्चा पैदा होने वाला था तो उसके लिए एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई, एम्बुलेंस लाने के लिए फिर हम लोगों को चार पाई पे, और बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी गिर जाते हैं। माँ उस रास्ता को बननी चाहिए हमारी। ब्लॉक में कितने आज क्यों आए हैं? आज तो धरना दे रहे हैं इसलिए कि वो बननी चाहिए। ये गांव की सारी जो रास्ता हैं ब्लॉक हैं, पानी भरा हुआ है, और यहाँ ब्लॉक में या किसी से विधायक जी से कहा जाता है कोई सुनते नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सारी रास्ता का सुधार हो जाए,
बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई पढ़ने जा नहीं पाता है, कीचड़ में गिर जाते हैं। वो मांगे पूरी नहीं होती, फिर आगे का क्या करेंगे? अब यही धरना देंगे और क्या करेंगे? सालों बीत गए लेकिन सड़क की हालत जस की तस है। अधिकारियों से लेकर विधायक तक से शिकायत की लेकिन सड़क वैसी की वैसी है। ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, शिकायत के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, मरीजों को चारपाई पर लेकर जाना पड़ रहा है, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी? तीसरा सवाल, सड़क का सुधार कब तक किया जाएगा? चौथा सवाल, क्या समस्या अनसुनी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी? तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को यूं ही उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।